भारत में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानून को बदला। आज से पूरे भारत में लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। अपराध करने वालों की आएगी कयामत। 375, 376 की जगह 63 और 70 और 302 की जगह 101 कर दिया गया। आज से नई धाराओं के तहत दर्ज होगी FIR। आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय न्याय संहिता कानून लागू हो गया है। अब भारत के लोगों के लिए नए कानून का पालन आज से करना होगा। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून को बदल दिया गया है। आइए जानते हैं विस्तार से कि आम जनता पर कितना असर डालेगा ये कानून। दरअसल क्राइम वाले दर्ज मामले में IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत चलेंगे। बता दें ये तीनों बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पास किए गए हैं। भारत की न्याय व्यवस्था में सोमवार यानी 1 जुलाई 2024 से कई बड़े बदलाव हुए हैं। अंग्रेजों के समय से बने क्रिमिनल लॉ की जगह अब मोदी सरकार ने नए 3 कानून लागू किए हैं, जिसके तहत सोमवार से देश भर में भारतीय न्याय संहिता अब इंडियन पीनल कोड की जगह लेगा। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभावी होंगे। मतलब अब क्राइम वाले दर्ज मामले IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत चलेंगे। बता दें ये तीनों बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पास किए गए थे। दरअसल नए कानून में अब बलात्कार की धारा को 375 और 376 को बदलकर अब धारा 63 कर दिया गया है। वहीं सामूहिक बलात्कार की धारा को बदलते हुए 70 कर दिया गया है। ठीक ऐसे ही हत्या से जुड़े मामलों की धारा 302 को बदलकर अब धारा 101 कर दिया गया है। इसी के साथ इंडियन ज्यूडिशियली कोड यानी भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को संलिप्त किया गया है। इसमें अब मॉब लिंचिंग भी एक नया अपराध होगा जिसके लिए कानून बनाया गया है। वहीं 41 अपराध ऐसे हैं जिनकी सजा को बढ़ाया गया है। 82 अपराधों में जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि नए कानून के तहत हुए बदलावों में क्या क्या हो रहा है। आज से देश में लागू नए कानून के मुताबिक किसी भी आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिन के अंदर उसका फैसला आ जाएगा। पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर अपराधी पर आरोप तय किए जाएंगे। अब बड़ी बात यह है कि गवाहों के लिए क्या किया गया है। दरअसल गवाहों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना होगा। अब जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज होंगे सभी आपराधिक मामले। ये बड़ी बात है कि 1 जुलाई 2024 से यानी आज से सभी FIR भारतीय न्याय संहिता के तहत लिखी जाएंगी। हालांकि पुराने मामलों पर नए आपराधिक कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये बड़ी बात है कि पुराने जो भी आपराधिक मामले हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं नए आपराधिक कानूनों के तहत आपको अपराध की शिकायत करने के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। आप ऑनलाइन FIR करते हुए कहीं से भी इसकी शिकायत कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप ऑनलाइन FIR दर्ज कराने में सक्षम नहीं है तो आप नजदीकी किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकते हैं। अब एक बड़ी बात यह कि महिला और बच्चों का स्पेशल ख्याल रखा जाएगा। दरअसल नए कानून के मुताबिक अब किसी भी रेप पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। इस दौरान पीड़ित के अभिभावक या उसके परिवार से जुड़े कोई भी सदस्य मौजूद होंगे, अनिवार्य होंगे। वहीं पीड़ित के मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। अब नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर सीधी मौत या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाओं को शादी के झूठे वादे करके गुमराह करके छोड़ देना भी भारी जुर्म होगा। इस मामले में भी बड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। दरअसल नए क्रिमिनल कानूनों के तहत बच्चों को खरीदना या उससे बेचना दोनों ही जघन्य अपराध माने गए हैं। इस मामले में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति की कड़ी सजा देने का प्रावधान हुआ है। वहीं नए कानूनों में गिरफ्तारी को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। जैसे अब गिरफ्तार व्यक्ति के पास ये अधिकार होगा कि वो मदद के लिए जिसे चाहे उसे सूचना दे सकता है। साथ ही उसकी गिरफ्तारी की जानकारी भी थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से देनी होगी। अगर अपराधी ने कोई गंभीर अपराध किया है तो ऐसे मौके पर फॉरेंसिक टीम का जाना अनिवार्य होगा। वहीं मुकदमों में भी इसके बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल अब नए कानूनों के तहत किसी भी मामले में आरोपी और पीड़ित दोनों 14 दिनों के भीतर FIR होगी। वहीं पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेजों की कॉपी पा सकता है। वहीं सुनवाई में बिना मतलब देरी होने के लिए अदालत को अधिकतम 2 बार स्थगन की अनुमति दी जाएगी। वहीं 3 नए कानून आज से लागू हो गए हैं।
यानी अपराध की आज़ादी पर लगाम लगेगा और अपराध पर अंकुश लगेगा और अंग्रेजों के जमाने से लागू कानूनों से छुटकारा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 45 दिन में आरोप तय होगा और नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार पर सीधे मौत की सजा या आजीवन कारावास होगा। ये बड़ी खबर खबर एक्सपर्ट पर आप देख रहे हो। दरअसल इन कानूनों में बदलाव से क्राइम करने वालों पर अंकुश लगेगा, कहीं ना कहीं इन पर लगाम लगेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कानून बदलाव से क्या क्राइम कम होगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। जागरूकता के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।